धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में मानव तस्करी की शिकायत पर सीडब्ल्यूसी और आरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया और प्लेटफार्म नंबर 7 से एक संदिग्ध महिला से पूछताछ कर रही। वह महिला कुछ बच्चों के साथ कई दिनों से रह रही है। जब टीम वहां पहुंची तो पूछताछ के दौरान पता चला कि वह महिला गर्भवती है और महिला के 4 बच्चे भी हैं। इसके 2 बच्चे पास में हैं और बाकी 2 बच्चे इसके पति के पास हैं। लेकिन महिला के पास से एड्रेस प्रूफ कुछ नहीं मिला है, जबकि एक अन्य लड़की को सीडब्ल्यूसी ने महिला आश्रय गृह भेजवाया। सीडब्ल्यूसी के आग्रह पर आरपीएफ ने यह कार्रवाई की है और मामले की छानबीन कर रही है। बिलासपुर की रहने वाली एक बच्ची भटक कर धनबाद आ गई है, जिसे संदिग्ध महिला लेने पहुंची थी, जिसके बाद सीडब्ल्यूसी टीम ने उसे पूछताछ किया। दरअसल एक सप्ताह पूर्व बनारस से भटक कर धनबाद पहुंची एक नाबालिग को बरबड्डा ले जाकर उसे देह व्यवहार कराने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद जीआरपी ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू किया। आरपीएफ और जीआरपी नाबालिग को बरगलाने एवं उसे देह व्यापार के दलबल में फंसने वाली महिला की तलाश में लगातार अलग अलग स्टेशनों में छापेमारी कर रही है। वहीं धनबाद सीडब्ल्यूसी चेयरमैन ने कहा कि धनबाद स्टेशन में बच्चों के साथ गलत करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं, जिसके लिए जीआरपी आरपीएफ के साथ संयुक्त अभियान चलाने की जरूरत है। के साथ में बलात्कार हुआ था जो बरवड्डा में, तो स्टेशन से उठा कर ले जाया गया था। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। एक महिला के बारे में खबर था कि यूपी से आई हुई है और एक बच्ची जो धनबाद की है वो बिलासपुर में रेस्क्यू हुई थी, बिलासपुर से फिर धनबाद आ गई है। उसकी माँ ही धनबाद में ही रहती है। अभी नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा और इस महिला के बारे में भी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा। उस महिला से हम लोग मिले, महिला का 2 बच्चा यूपी में है, 2 बच्चा साथ में अभी धनबाद स्टेशन में है और एक प्रेग्नेंट भी है। महिला का बच्चा भी होने वाला है। वो चाह रहा था कि वो जो बच्चा धनबाद का बरामद हुआ है, बच्ची बिलासपुर में, उस बच्ची को उसको हम लोग दे दें। हालांकि कानून में यह संभव नहीं है, नियम है कि हम लोग बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ही बच्चा दे सकते हैं। तो हम लोग उस बच्चा को देंगे भी तो उसकी माँ को देंगे। और इस महिला के पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना कोई आधार कार्ड है। सूचना यह थी कि महिला बच्चा लेकर के पूरा देश भर में एक रैकेट टाइप का चलाती है और इधर उधर बच्चा का ब्रोकर का काम जो होता है कहीं ना कहीं दे देता है, क्योंकि अपना ही खुद 4 को बच्चा तो कहाँ से पलेगा। अपना देख रहे हैं। और बनारस की बच्ची वाला का ऑपरेशन नहीं है, आज मेडिकल के लिए गया है। वो बच्ची बनारस की निकली है, ऐसा नहीं है कि वो बच्ची के साथ कोई पहला कांड धनबाद में हुआ। यूपी पुलिस का कहना है कि 2 बार इसके पहले भी घर से वो भाग चुकी है। उस पर उसकी माँ चाहती है कि हमको रेस्टोरेशन मिल जाए, तो पुलिस और कोर्ट से पूछ करके जो न्याय संगत होगा हम लोग उसका रेस्टोरेशन को लेकर करेंगे। उस बच्ची का जीआरपी आरपीएफ को लिखे हैं, अभी आप लोग देखे होंगे, हम लोग आरपीएफ इंस्पेक्टर को बोलने के लिए भी आए थे कि हम लोग बहुत शीघ्र एक ज्वाइंट ट्राइब चलाएंगे ताकि ऐसे लोग स्टेशन से हट जाए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जीआरपी और आरपीएफ को ही निभानी होगी। सीडब्ल्यूसी बोल सकता है क्योंकि हमको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। बनारस वाली बच्ची होप हाउस में है, सीडब्ल्यूसी में नहीं है। सीडब्ल्यूसी ऑर्डर कर दिया सरकार का, एक आवासित करने के लिए बालिका गृह है जिसको होप हाउस बोला जाता है, वहाँ बच्ची को सेफ हम लोग कस्टडी में रखे हैं। और जीआरपी को जब जब आवश्यकता पड़ती है पड़ेगी वो तो बच्चा को लेके जाएगा। 164 का बयान होगा, मेडिकल वगैरह सब होगा। पेरेंट्स को तो हम दे नहीं सकते। अगर ये बोल देंगे कि हमको इन्वेस्टिगेशन हो गया, 164 का बयान हो गया, आप दे सकते हैं, तो हम दे देंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का मामला है, केसेस हो गया। लेकिन ये तो साबित हो चुका है कि स्टेशन परिसर में इस तरह के लोग हैं। अभी जो बच्ची यूपी से आई है हमारा बिलासपुर वाली बच्ची को लेने के लिए धनबाद का, वो महिला खुद आई है और लेना चाहती है। क्यों लेना चाहती है भाई, आखिर इस बच्चा को लेकर तुम क्या करोगे? हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं आरपीएफ से या जीआरपी से भी कि इसको थोड़ा सा देखिए और एक ज्वाइंट ड्राइव हम लोग उनको लगता है डीआरएम से बात करके चलाना जरूरी, ताकि सेफ हो जाए धनबाद से।